बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा थाना क्षेत्र से। जी हाँ, हत्यारे पप्पू खान को दी जाए फांसी, मुस्लिम समाज ने की मांग। छपारा मुस्लिम समाज ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सिवनी जिले के छपारा थाना क्षेत्र के डुंगरिया वार्ड में हुई थी मां और उसके दो मासूम बच्चों की नृशंस हत्या। मुस्लिम समाज छपारा ने की मांग, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मामला। मुस्लिम समाज ने आरोपी के अवैध निर्माण को धराशायी करने के लिए शासन प्रशासन को दिया धन्यवाद। छपारा के मुस्लिम समाज ने आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम छपारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि मां और उसके दो मासूम बच्चों की जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी पप्पू खान को शीघ्र ही फांसी दी जाए। मुस्लिम समाज ने अपने ज्ञापन में यह भी मांग की है कि छपारा नगर में हुई यह घटना अत्यंत विभीषित है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही उक्त पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने का निवेदन भी करते हैं ताकि आरोपी को शीघ्र ही फांसी की सजा हो सके। छपारा मुस्लिम समाज ने शासन प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा है कि आरोपी के अवैध मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया जाना न्याय संगत है। हम समस्त मुस्लिम समाज इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं। MP24 न्यूज के लिए अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट।